अस्सलाम वालेकुम असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव रेडी हो रहा है। आज मैं बना रही हूँ गरम मसाला पुलाव हांडी के अंदर। बहुत ही टेस्टी और यमी, गांव की तरह आज पुलाव बनने वाला है। बड़ा टेस्टी टेस्टी यमी यमी सा, और खुशबू ऐसी आएगी जैसे 10 घर के अंदर खुशबू जाएगी इस पुलाव की। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे पुलाव, आधा किलो के करीब चिकन ले लिया मैंने और मसाले जात में लिया है मैंने 1 टीस्पून धनिया लिया हुआ है कूटा हुआ और भुना हुआ, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा लिया है मैंने, साबुत गरम मसाले में बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग ले ली मैंने, 1 बालिया कतान का फूल ले लिया। ये सारे मसाले हमारे जाएंगे पुलाव में और बहुत ही टेस्टी और यमी पुलाव बनने वाला है। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले जिन्होंने अभी तक से मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मोबाइल उठाए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे आए। बहुत शुक्रिया। हांडी ले ली है हमने, हांडी के अंदर मैंने 1 अदद प्याज डाल दिया है और 1/2 कप मैंने ऑयल का डाल दिया है। गोल्डन कर लेना है, जरा हांडी जो है गर्म देर से होती है तो जैसे ही गर्म होगी तो फिर हम दूसरे मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भर के, इसके साथ ही हमने टमाटर लिए 2 अदद और हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई ले ली 4 से 5 अदद, आज बन रहा है हांडी पुलाव गरम मसाला हांडी पुलाव। ये मसाले जो हमने डाले थे ये डाल देंगे इसमें, साथ हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक का और चिकन, ये नमक चला जाएगा। इसकी खुशबू हाँ, बहुत मज़ेदार है। फर्स्ट टाइम मैं भी बना रही हूँ इसमें हांडी में पुलाव, मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूं और घर की भी बनाऊं। मैंने सुना यही था कि हांडी में जो पुलाव बना हुआ होता है बहुत टेस्टी और यमी होता है, मैंने सोचा आज मैं खुद ट्राई करूँ। देखिए मसाला जब अच्छे से भूनने लग जाएगा इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, पानी डाल देंगे, तकरीबन पानी हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि इसमें चावल बहुत जल्दी जो है हमारे जल्दी से कुक हो जाएंगे। ठीक है, हम इसमें 1.5 गिलास पानी का डाल देंगे, जैसे ही पकना शुरू हो जाएगा फिर हम इसमें राइस डालेंगे। देखो पानी जब बॉइल हो जाएगा फिर हम इसमें राइस डालेंगे। ये देखिए पानी जो है पकना शुरू हो गया पुलाव का, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ये देखिए आप समझ रहे होंगे मैंने पानी थोड़ा डाला है, पानी थोड़ा इसलिए डाला है कि मिट्टी का बर्तन है और ये जल्दी से जो है कुक कर देता है चीज़ को, क्योंकि जैसे ही गर्म होती है ये जल्दी से चीज़ को कुक कर देता है और जल्दी से पका देता है। मिक्स कर देना है इसको, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, इसको ढक के रख देते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपके साथ। मिनट हो चुकी है और मैं आपको इसका चेक करवा के रुकी, देखिए पानी खुश्क हो चुका है और फ्लेम को हम स्लो कर देते हैं और इसको दम पे रखते हैं। देखिए दाना एक एक अलग अलग जो है हमारा बहुत ही मज़े का जल्दी पुलाव रेडी हुआ है, इसको दम पे रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और आपको इसका लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक एक दाना जो है पुलाव का अलग है। और एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे ना तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पुलाव कैसा लगा। आप शॉप करें गर्मा गर्म गर्म मसाला हांडी पुलाव हमारा रेडी हो गया, टेस्टी टेस्टी सा यमी यमी सा। उम्मीद हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।